उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और चुनाव को देखते हुए लगातार जो हमारी चुनावी यात्रा है वो चल रही है। बदायूं से होते हुए हम फर्रुखाबाद आ चुके हैं। फर्रुखाबाद वो जगह जहां पर इस बार जो चुनावी लड़ाई है वो काफी अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से यहां पर चुनाव लड़ रही है। लगातार उसकी कोशिश है कि वो जनता के बीच जा करके समस्याओं को सुने और उन समस्याओं के निराकरण की बात कहे। और जिस तरह से लगातार जो संकल्प पत्र जो मैनिफेस्टो जारी किए जा रहे हैं लगभग सभी पार्टियों की तरफ से, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो कल अखिलेश यादव ने जारी किया है, उसके बाद ये साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार ये जो उत्तर प्रदेश में लड़ाई है ये काफी अहम है। फिलहाल इस वक्त हम आ चुके हैं फर्रुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा सीट पर। यहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और इनकी तरफ से लगातार ये कोशिश है कि वो जनता के बीच जाकर के जनता की जो समस्याएं हैं जो बीते 5 साल में जिनका निराकरण नहीं हुआ है उन समस्याओं को सुनकर के भरोसा जिताएं कि आने वाले समय में हम उन समस्याओं का निराकरण कर देंगे अगर जनता हमें चुनती है। लेकिन अहम बात यह है कि लगभग ये जहां जहां भी जा रहे हैं जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो वहां पर जनता का इन्हें जो समर्थन है वो काफी अच्छा और बेहतर मिल रहा है। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि यहां की जो लड़ाई है, यहां पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल जितेंद्र सिंह यादव कैसे करेंगे, हमारे साथ वो मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं अभी बदायूं से फर्रुखाबाद की तरफ आया हूं, अभी हम लोग को आगे भी जाना है, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो सबसे अहम समस्याएं और सबसे अहम बात वो कौन सी है जो लगातार जनता के बीच सुनने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने जो विकास कर दिया बीते 5 साल में उससे बेहतर विकास कोई भी नहीं कर सकता, क्या कहें? देखिए, जो सबसे बड़ी स्थानीय समस्या है यहाँ की अमृतपुर विधानसभा की, एक तो ये है कि बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। यहाँ पर जो है हर साल बाढ़ आती है और उजड़ना और बसना यहाँ की नियति बन चुकी है, तो सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। दूसरी जो समस्या है वो यहाँ पर गाय और बैल जो हैं वो फसलों को खा जाते हैं और हजारों की संख्या में घूम रहे हैं। ग्रामीण रात भर जग कर के अपनी फसलों की रखवाली करते हैं और कभी जैसे ही उनको अगर नींद आ गई तो तुरंत जो है उनकी फसल को गाय और सांड जो है वो खा जाते हैं, तो आदमी को रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है। कभी सर्दी है, कभी मच्छर हैं, कभी बीमारियां हैं। सबसे ज़्यादा लोग दुखी हैं वो इसी वजह से हैं कि गाय और जो जानवर हैं वो यहाँ पर लोगों को नुकसान कर रहे हैं। उसका लोगों का आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है और लोग शारीरिक रूप से भी क्षति कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में है। गौशाला सरकार ने बनाई है लेकिन वो ज़्यादा काम में इसलिए नहीं आ रही है कि सरकार 30 रुपये प्रतिदिन एक जानवर के हिसाब से देती है। भूसा बहुत ज़्यादा महंगा है, 30 रुपये में तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता है, और जब बड़ी संख्या में हो जाते हैं और भूख से तड़पते हैं तो वहाँ पर उनके लिए जो भी केयरटेकर रखे गए हैं वो उनको रात में छोड़ देते हैं, भूखा नहीं देख सकता इंसान जानवर को, और वो रात को लोगों की फसल को खा जाते हैं। इससे लोग बेहद परेशान हैं। जो समस्याएं आपने गिनाई हैं, लगभग सरकार की तरफ से कल जब उनका मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था आगे के लिए, उन्होंने कहा कि हमने इन सारी समस्याओं का हल कर दिया है। सारी चीजें जो आपने बताई हैं उन सबका उन्होंने बताया था कि हमने इन इन चीजों का हल कर दिया है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं या जनता की बात सुनी जाए और बाकी चीजों को देखा जाए, जो विकास की स्थिति को देखा जाए, तो वो काफी बेहतर नहीं है। चाहे वो ड्रेनेज की बात कर ली जाए या सड़कों की बात कर ली जाए या लाइट की बात कर ली जाए, तो जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो इस बार क्या माहौल देखने को मिल? देखिए, अगर हल कर दिया होता तो हमको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? आप अभी बदायूं से आए हैं, फर्रुखाबाद में एंटर किए हैं, आप जगह जगह देखें तो गाय और सांडों का झुंड आपको घूमता हुआ दिख जाएगा। जब इतना सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है तो उसके बारे में और मैं क्या कहूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा जब मैं जा रहा हूँ तो लोग ये कह रहे हैं कि इनको कैसे भी छुटकारा दिलाइए, और ये गाय और सांड की कोई ये दैवीय आपदा नहीं है, ये कोई महामारी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है जिसको कि सरकार ने क्रिएट किया हुआ है। अगर सरकार चाहे तो 5 से 10 दिन में इनको पकड़ कर सुरक्षित जगह पर इनके लालन पालन के लिए रख सकती है, लेकिन चूंकि सरकार तो सिर्फ गाय के नाम पे उसको राजनीति करनी है, गाय और सांड की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा कहती थी कि गाय जो है वो हमारी माता है, उसकी पूजा करना चाहिए। हम लोग भी गाय को बहुत मानते हैं, गाय को पालते भी हैं, और हम लोगों का खासकर पुश्तैनी, आप जान रहे हैं कि जिस समाज से आया हूँ सब ग्वाला समाज के लोग गाय का ही वो करते हैं, हम लोग उनके लिए दया का भाव रखते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार को जो है बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है, और हजारों की लाखों की संख्या में गाय और बैल जो है वो सड़क पर मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। तो कतनी और करनी में साफ अंतर जो है वो रोड पर दिख रहा है, छुपा हुआ नहीं है। आप
शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर शिक्षा के स्तर की बात करी जाए इस विधानसभा में या इस फरुखाबाद में, उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ, कुछ बेहतर हुआ? और अगर नहीं हुआ तो अगर आपको जनता चुनती है तो इस विधानसभा में उस शिक्षा के स्तर को आप कैसे बेहतर करेंगे? फरुखाबाद के लिए किन किन चीजों की जो मांग है वो आप विधानसभा में उठाते हुए नजर आए? देखिए, शिक्षा का स्तर जो है वो सुधरा नहीं है बल्कि खराब हुआ है। अगर आप देखेंगे, मैं वो बातें कह रहा हूँ जिसके लिए आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, उसको उसका प्रमाण ले सकते हैं कि कोरोना काल को छोड़ दिया जाए, इससे पहले भी अगर आप देखें तो एजुकेशन का जो सिस्टम है हायर एजुकेशन का, उसके एग्ज़ाम तक जो है यहाँ की यूनिवर्सिटी प्रॉपर टाइम से नहीं कराती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कह रहा है। तो जब आप बच्चों का प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, 4 साल का कोर्स है, जो 5 साल का कोर्स है वो 8 साल में पूरा हो रहा है, जो 3 साल का कोर्स है उसकी फर्स्ट ईयर की परीक्षा ही, थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर की परीक्षा हो रही है, मैं इसको आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। तो ये स्थिति आखिर क्यों है? लोग एग्ज़ाम नहीं आप करा सकते तो क्या कराएंगे? और रही बात शिक्षा की गुणवत्ता की, तो जब आप सिस्टम ही आपका फेल है, आप बता दीजिए कि कितने स्कूल कॉलेज उन्होंने नए खोले हैं, पर क्या व्यवस्था की है? नए तरीके से रोजगार की आप बात करते थे, वो आपने क्या दिया? स्मार्ट सिटी की बात करते थे, वो आपने क्या किया? और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत है, चूँकि मैं इससे जुड़ा हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी संकल्प लिया है जहाँ पर आप खड़े हैं कि यहाँ पर हम एक डिग्री कॉलेज, खासकर गर्ल्स डिग्री कॉलेज का यहाँ पर हम बनवाएंगे, ताकि जो हमारी जितनी बहनें हैं दूर तक पढ़ने जाती हैं उनको बहुत असुविधा ना हो और उनको घर में ही शिक्षा मिल जाए। बात करी जाए टक्कर की तो इस विधानसभा में, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में आपने भी बताया, प्रमुख टक्कर क्या आप किसी से देख रहे हैं? क्या है जनता का इस बार का मूड? क्योंकि आप तो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, समर्थन भी आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ लोग आए हुए हैं, खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप समस्याओं को सुन रहे हैं। टक्कर की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश की टक्कर की और इस विधानसभा की टक्कर की, किसको आप देख? देखिए, टक्कर तो है लेकिन हम लोग काफी आगे हैं। टक्कर होना ये है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन दोनों के बीच का फासला बहुत है। ये फासला उतना ही है जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीब और अमीर के बीच 5 साल के दरमियान उत्तर प्रदेश में बना दिया, गरीब को और गरीब कर दिया, अमीर को और अमीर कर दिया। तो जितना फासला भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है उतना ही हमारे बीच है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आगे चल रहे हैं, पर हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। बात करी जाए नतीजों की 10 मार्च, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार फिर से रच देंगे, 320 पिछली बार आया था उससे ज्यादा इस बार हम निकाल रहे हैं, 350 का आंकड़ा वो बोल रहे हैं कि हम 350 आंकड़ा कर देंगे, क्योंकि हमने विकास कर दिया है, हमने सब कुछ बेहतर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर पोलराइज करने की कोशिश एक बार फिर से है, और पश्चिम में लगातार जो बीजेपी के सीनियर लीडर है वो बने हुए हैं, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या इस पोलराइजेशन से कुछ इफेक्ट पड़ेगा यूपी के चुनाव पर? और दूसरी चीज, नतीजे क्या हो? देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ की, काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। जो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा पुराना हो चुका है, एक फिल्म को आप बार बार देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। अब इसका कोई भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, लोग विकास की बात कर रहे हैं और छात्र, नौजवान, किसान, हर कोई परेशान है। किसानों की समस्याओं को आपने देखा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर उठी और आखिर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया और इतने लोगों की जाने गई, फिर आप बैकफुट पर आए। ऐसे ही स्थानीय स्तर पर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार ने शुरू किए लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं किया है, तो कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश? इस विधानसभा की जनता के लिए ये संदेश है कि मैं उनके सुख दुख में साथ रहूंगा और मेरा जो यहाँ पर काम रहेगा वो जनसेवा का रहेगा, राजनीति कम रहेगी। हम लोग पॉलिटिकल जरूर हैं लेकिन हमारी 80% जो है वो समाज सेवा है, 20% राजनीति है। और मैं ये चाहूँगा कि लोगों का जीवन स्तर जो है वो ऊँचा उठे, कितने लोग एजुकेट हैं और उनका कितना हेल्थ का ख्याल रखा जाए, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। हमसे बात करने के लिए ये थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से यहाँ के प्रत्याशी हैं। और लगातार साफ तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ये जो चुनावी लड़ाई है काफी अहम होती जा रही है। ये विधानसभा काफी अहम इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई सारी समस्याएं, चाहे बिजली की हो गई हो, सड़क की हो गई हो, ड्रेनेज की हो गई हो, शिक्षा की हो गई हो, स्वास्थ्य की हो गई हो, और इन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी से जितेंद्र सिंह यादव जनता के बीच जा रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं कि इस बार हमें जिताइए, हम इन समस्याओं का हल कर देंगे। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये देखना अहम होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस बार इस विधानसभा पर जो लड़ाई है वो काफी अहम है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।